यही तो सोचना है, पत्रकार की हत्या हो रही है, दीन दृष्टि रेप हो रहा है और जगहों में हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ पर जर्जर हो गया है, उसके बावजूद भी ये लोग जो कहते हैं घमंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि घमंडिया अलायंस इन्होंने जो बनाया है और आज बहुत लवरेज हैं, क्या अगला लोग चुनाव सभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छा से जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं कि वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं, बिहार की जनता उब गई है, यहाँ न तो विकास हो रहा है, न तो भ्रष्टाचार मिट रहा है और न तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ठीक है। जब पत्रकारों की हत्या होती है तट कट कर उनके माथे में गोली मारी जाती है, इसलिए कि एक चीज वो गवाह थे। आज तो कोई भी गरीब आदमी का केस, खास करके शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो केसेज होता है उसमें गवाह के अभाव में केस हमारा सब खत्म हो जाता है, नहीं भी होता है, फेल हो जाता है। और आज जब इंस्टांस हुआ कि पत्रकार जब साहस कर करके जो दिया गवाह तो उसको लोग हत्या कर दिया, तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का जो गवाह होगा वो कैसे गवाह देगा? गरीबों के खिलाफ जो उन लोग घटना घटते हैं तो उसका गवाह कैसे देगा? ये लॉ एंड ऑर्डर जो जर्जर हो गया है इसका ये द्योतक है। और इसलिए हम पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि 2024 और 2025 के चुनाव में इस सरकार को हटाने के लिए हम लोगों को मदद करें और भारत सरकार का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में कम से कम 400 सीट हम लोग दें, तब ही यहाँ की जो प्रशासन की सरकार है हटेगी और तब फिर आप लोगों को भी चैन मिलेगा और बिहार का विकास होगा।